स्वास्थ्य विभाग भले ही सुविधाओं के लाख दावे करता हो, लेकिन किच्चा के सरकारी अस्पताल की हालत देखकर खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवा कितनी खस्ता हाल में है। कभी डॉक्टरों का टोटा तो कभी दम तोड़ती लचर स्वास्थ्य सुविधा, और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्षेत्र की आम जनता को। पिछले 4 वर्षों से सर्जन जैसे महत्वपूर्ण पद यहाँ खाली पड़ा है, तो वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती भी आज तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को इमरजेंसी में सिर्फ प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने के अलावा अस्पताल के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। मिल रही है आराम से, आदमी थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, फिर उसका मिलती है तो आ जाएगा। डॉक्टर मिलते भी है, कभी कहते हैं गोलियां और पर्चा जैसा नहीं वैसा है, वैसा है, ऐसा करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बहुत परेशानी स्थानीय जनता को होती है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से दवाइयाँ या एक्सरे वगैरह इस तरह की व्यवस्थाएं, सारी टेस्ट वगैरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसकी मांग जनता विशेष समय से करी जाती है। क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना के बाद से ही यहाँ दुर्घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग मुख्य पदों पर तैनाती के मामले में लापरवाह बना बैठा है, जिसका खामियाजा घायल रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अन्य तिमरदारों व हॉस्पिटलों में इलाज कराने आए मरीजों का अपना ही दर्द है। किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहे तो किसी को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन सब से अलग सुविधाओं को जल्द से जल्द देने का वादा करते नजर आए। बहुत जल्दी इसमें जो है डॉक्टर्स भी होंगे, व्यवस्था भी होगी, और पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की हमारी बहुत इच्छा है। ये हमारा एक प्रयास है, क्योंकि अगर हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं होती, यानी फुल्ली इक्विप्ड हमारी जो तमाम चिकित्सालय होते, तो हम उन सब मरीजों को यहाँ पर जो है दवाइयाँ फ्री देते, उनका उपचार फ्री करते, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्य रूप से जो भूमिका है वो डॉक्टर की है, डॉक्टर को लाने के उपरांत हम लोग नहीं ला पा रहे। एक और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने के साथ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की बात करती है, लेकिन हकीकत क्या है यह तो मरीजों की परेशानी खुद जग जाहिर कर रही है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन समय रहते कोई ठोस कदम उठाता है, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र के लोग यूं ही दर दर भटकने को मजबूर होंगे। PVN न्यूज़ उत्तराखंड के लिए किच्छा से रश्मि भगवती की रिपोर्ट।